नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, आज मैं मथुरा के प्रेम मंदिर जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक मेरे राइट साइड में जो है वो यहाँ पर प्रेम मंदिर है। और ये प्रेम मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध, क्योंकि इसके अंदर में जो है देश विदेश से नहीं, मतलब हमारे देश के दूसरे कंट्रियों से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। इस समय टाइम ज़्यादा हो गया है, 12 बजे तकरीबन में यहाँ पर मंदिर बंद कर दिया गया है, लेकिन अब जो है शाम के टाइम पे 4:30 बजे जब ये खोला जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं वो लोग, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, यहाँ की भीड़ की मात्रा है। अभी ये गेट खुलेगा यहाँ से तो उसके बाद में यहाँ से लोग अपना प्रवेश करते हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जो उनकी जो श्रद्धा है, विश्वास है प्रेम मंदिर और मथुरा के प्रति। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग बात कराना चाहते हैं। हमारे साथ में माता जी जुड़े हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? पूनम ने। माता जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। कैसा लगा आपको मथुरा में आज? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा। मानते हैं कृष्ण जी को? जरूर मानते हैं, जरूर। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम कुछ कहेंगे कि बहुत बढ़िया, कृष्ण भगवान साक्षात है, जहाँ भी कण कण में वास कर रहे, पत्ती पत्ती में कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है, जहाँ प्रेम से पुकारिए वहीं कृष्ण है, यहाँ तो अवश्य है। ये मतलब जो प्रेम की भावना जो कृष्ण के प्रति जो सबके अंदर में बसी पड़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे साथ में कुछ और भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रताप राम। प्रताप राम जी, कहाँ से हैं? राजस्थान, जालौर। राजस्थान जालौर से। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? सर, हमने कुछ वृंदावन के बारे में सुना था, इसलिए यहाँ पे देखने आए कृष्ण भगवान। वृंदावन पहुँच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। आपने प्रेम मंदिर अभी गए आप अंदर? नहीं गए, अंदर जाना है अभी। जाओगे? बंद है, 4 बजे करीब में खुलेगा तब जाओगे। आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ में कौन आया है? हमारे साथ में हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। ये है बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रिया। प्रिया बताओ। प्रिया बोल बेटा। छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। आप लोग ये देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं इनसे और भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, कहाँ से आए हैं आप? सर, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको वृंदावन आकर के? बहुत मज़ा आ रहा है। और वृंदावन में आज प्रेम मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे हैं उनके। तो 4:30 बजे के बाद देखिए जो प्रशासन का है वो तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप ब्रजधाम में आइए और भगवान के दर्शन कीजिए, पुण्य का लाभ उठाइए। जो भगवान की धरती में आने में जो पुण्य मिलता है, जो आनंद आता है, जो अपने मन में भावनाएँ प्रकट होती हैं, उसका आनंद ही अलग है। अभी देखा जाए तो त्योहारों का टाइम चल रहा था, आज भैया दूज का भी है। और इसके अंदर में जो कि जमुना घाट के आपने लोगों ने देखा कि जमुना घाट पे जो है वो वहाँ पे जाके स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। तो लोग जब मथुरा आते हैं तो प्रेम मंदिर जो जरूर पहुँचते हैं। एक इसकी अपनी है, अपने अंदर जो है जैसे संस्कृति जो हमारे भारत की है वो, और हमारा जो कल्चर है वो यहाँ पर मथुरा के अंदर जो है वो यहाँ पर आने के बाद देखने को मिलता है, कृष्ण भक्ति में देखने को मिलता है। लोग लीन रहते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति जो है वो सबके चेहरे पर झलकती है। सही कहा ना मैंने भाई साहब? जी जी, बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। और एक खास बात यह है कि मैं डायरेक्ट दिल्ली से बाइक द्वारा आया हूँ। अच्छा, बाइक से आए हैं आप? क्या बात है, बाइक से आया हूँ। कितना समय लगा होगा? मेरे को समथिंग 3.5-4 घंटे के अंदर मैं 3 से 4 घंटे आराम से नॉर्मली ड्राइव करके आया हूँ। 3.5 से 4 घंटे के अंदर आ गया हूँ। 180 किलोमीटर है मेरे यहाँ घर से इधर तक। दिल्ली में कौन सी जगह है? मैं द्वारका सेक्टर 7 में रहता हूँ। सेक्टर 7 में। हाँ, आप लोगों से हमने इनको भी मिलाया और भी लोगों से हम मिलाने की कोशिश करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामदास कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? MP से। क्या नाम बताया आपने? रामदास। रामदास, MP से आए हो। क्या कहना चाहोगे आज वृंदावन में पहुँचे हो? बहुत बढ़िया है सर, देखने का चांस ले आए। अच्छा, पहली बार आए हो? इससे पहले भी आए? हाँ, पहली बार आए। पहली बार आए? हाँ। फैमिली आई है आपके साथ में? क्या नाम है आपका? सुमन कुशवाहा जी। सुमन कुशवाहा जी, कैसा लग रहा है आपको वृंदावन में? अच्छा लगता है। अच्छा, देखना कहाँ। चलिए, बहुत अच्छा। और ये कौन सा कुशवाहा है भाई? निकेश। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग यूँ ही घूमिए, मैं आप लोगों को और लोगों से मिलाता हूँ। आप लोग हमारे साथ में यूँ ही बने रहिए। कुछ बच्चे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, खुशी कहाँ से आए हो आप? मैनपुरी से। मैनपुरी से। मैनपुरी ढाबा? मैनपुरी ढाबा ना। अच्छा, मैनपुरी में।
कैसा लग रहा है आज वृंदावन? अच्छा लग रहा है, हम तो आते रहते, हर साल आते हम। अच्छा, आप हर साल आते हैं, मतलब इससे पहले भी आप कई बार आ चुके हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? यही कहना चाहेंगे, यहाँ पर आओ, सुकून है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून यही है और कहीं नहीं। अच्छा, है आज आज जो भैया दूज का भी है तो उसके उसके उपलक्ष्य में भी खास करके बनता है कि यहाँ पर आया जाता है। आया जाता है क्योंकि कान्हा जी भाई हैं एक तरीके से, लोग भाई बंधु सब यही हैं। अच्छा, कान्हा जी को आप लड्डू गोपाल की तरह मानते हैं या कान्हा की तरह मानते हैं? फ्रेंड की तरह और भाई की तरह मानते हैं। पूजा करते हैं आप? हम पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, मम्मी आपके क्या नाम है माता जी आपका? बताइए बताइए। द्रौपदी। द्रौपदी जी कहाँ से आए हैं आप? मैनपुरी से आए हैं। मैनपुरी से ही है ना। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? रहते सैपाई वहाँ से उधर। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम दर्शक क्या कहना चाहें, बढ़िया है, खूब अच्छा मिलता है, मथुरा में आओ। कृष्ण जी के प्रति किस तरीके की आस्था जो है लोगों को, क्या बताना चाहेंगे, कैसे रखना चाहिए? अरे रखना क्या चाहिए, दिल में श्रद्धा हो, खूब बढ़िया प्रेम से रखो, प्रेम से आओ मथुरा में, जो आवे भाई को उद्धार होता है मथुरा में। उद्धार होता है। हाँ। आप लोगों ने देखा, एक छोटी बहन है इधर, आप क्या नाम है आपका? रितु। रितु, रितु कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीएससी सेकंड ईयर। सेकंड ईयर कर रहे हो आप। क्या कहना चाहोगे आप, आपके जो बराबर के हैं, जो आपकी उम्र के होंगे, उनके लिए आप क्या शिक्षा दोगे? मतलब लाइफ का सुकून है वो यही है, यहाँ शांति मिलती है। अच्छा, यहाँ पर चलिए, यहाँ पे तो शांति मिलती है लेकिन शांति के साथ में कई चीजें ऐसी है, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमें वहीं पर रह करके लेनी पड़ेगी, या अगर यहाँ रहते हैं तो यहाँ लेनी पड़ेगी। यहाँ भी सी पढ़ाई तो सबसे पहले शिक्षा है, यहीं भी, यहाँ भी पढ़ाई वगैरह ठीक है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो जो इस समय पढ़ रहे हैं और अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरे को नहीं पता। उनके लिए आपको नहीं पता, बता दे, बताओ। चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आप लोगों ने देखा है ये बच्चे हैं और इन्होंने जो अभी मतलब इस तरीके से नहीं खुल करके बात कर पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, ये होना चाहिए। और जो हमने उनसे पूछने की कोशिश करी उसमें 100% इन्होंने पूरा बता ही दिया है। तो हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की एक बारी कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो मेरे राइट साइड में जो है वो गेट है, यहाँ पे निकासी का द्वार है, यहाँ से लोग निकलते हैं। और जब मंदिर खुलेगा 4:30 बजे करीब में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु लोग जो हैं वो यहाँ पर भी अभी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं गेट खुलने का। तो एक बारी जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि कब से आप लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कब से बैठे हैं आप? अभी। अंदर अंदर गए अभी नहीं गए आप? 4:30 बजे खुलेगा गेट। हाँ। क्या क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बैठेंगे, इंतजार करेंगे। यहाँ के प्रति क्या कहेंगे, कान्हा जी के प्रति क्या कहेंगे? क्या बोले, कान्हा जी से जो प्रेम है आज उसी के चलते सब लोग यहाँ पे होते हैं मथुरा वृंदावन में। क्या कहना चाहेंगे? इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे कान्हा जी का, 4 बजे खुले या 5 बजे खुले, दर्शन करके जाएंगे। चलिए, लोगों का जो प्यार है और जो लोगों की जो श्रद्धा और जो भावना है वो कान्हा जी के प्रति जो जिस तरीके से जुड़ी हुई है, तो लोग देखिए आप यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी समय तक इंतजार करेंगे। अभी तकरीबन 1 बज रहा है और अभी 4 घंटे कम से कम इनको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक लगाव है, ये एक प्रेम है, ये एक भावना है जो श्रद्धा के साथ में, कान्हा के साथ में जुड़ी हुई है। और भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये भाग रहे हैं हमें देखकर। क्या नाम है आपका? जी रोहित मेहता। रोहित कहाँ से आए हो आप? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से हो, क्या कहना चाहोगे आप? जी बस प्रभु के दर्शन नहीं हुए, लेट अभी दर्शन नहीं हुए जी। अच्छा, दर्शन तो अभी 4:30 बजे हो जाएंगे, पहले भी आप कभी? यही है, कोटा जाने की ट्रेन भी है इसलिए। अच्छा, निराश होकर जाना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना। चलिए कोई नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ में यूं ही बने रहिए, मैं और भी लोगों से आप लोगों को मिलाने की कोशिश करता हूँ। कुछ भाई लोग भी हमारे साथ में अभी नए आए हैं, अभी ये लोग देख करके भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको पकड़ लिया गया है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार जी कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान कोटा से। राजस्थान कोटा से ही हैं आप। क्या कहना चाहेंगे अपने भक्तों के लिए जो इस समय आपको देख रहे हैं? नहीं, भीड़ भाड़ अच्छी है, काफी भीड़ है, अभी त्योहार का टाइम है और सब लोग परिवार को छोड़ के घर से दूर भी आए, तो भक्ति तो देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ अच्छा लग रहा है।
कहीं ना कहीं जो है प्रेम कृष्ण के प्रति जो लोगों का बना हुआ है, देश से विदेश से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, हर स्टेट से भी पहुँचते हैं, भारत के तमाम राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे होते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे, कुछ भाई इस साइड में भी हैं, इनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? अजय कुमार नाम है जी। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। आपका? शिवम। आपका? सुमित कुमार। आपका चाचाजी? चंद्रशेखर। आपका? सुनील कुमार। राहुल। रोहित। राहुल जी और आप लोग जितने भी आप लोग फ्रेंड हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों जो आपको देख रहे हैं इस समय? बोलो, बताइए। हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि हम आए यहाँ से, हमें बहुत अच्छा लगा मंदिर, पहली बार आए हैं हम यहाँ पर। अच्छा। और उसके अभी सारे फ्रेंड जितने भी थे सब जने साथ में आए हैं? सब साथ में आए। किस तरीके का, एक जैसे आप पहली बार आ रहे, तो किस तरीके, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारे को, जो हमारी जो श्रद्धा होती है एक कृष्ण के प्रति? हमारे मन में ये फीलिंग हो रहा है कि हम लोगों ने इतने धाम घूमे, पर ऐसा धाम हम लोगों ने कभी भी नहीं घूमा, कभी भी नहीं घूमा। मतलब हमारी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, हम अपने सच्चे मन श्रद्धा से ये धाम को मतलब पूरा कर रहे हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां, क्योंकि जरूरी भी है। और आप लोग यूं ही हमारे साथ में बने रहिए और मैं एक बारी पीछे की तरफ में लेकर के चलता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लोगों का श्रद्धा और विश्वास बना हुआ है, उस लोग क्या कहना चाहते हैं। आप इधर आइए एक बारी हमारे साथ में, यहाँ पे ये लोग तो जा रहे हैं और कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बताइए। कल्याणपुर थी। कहाँ से आए हैं आप? द्वारका। द्वारका से आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, ये वृंदावन में मथुरा में आए हैं तो? सारू से। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मणिबेन। मणिबेन, मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो इस समय आपको देख रहे हैं? अच्छा चाहिए, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? भाग गए तुम तो, आप तो इधर आइए मैडम। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे साथ में कुछ और भाई लोग भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? रणमल भाई। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस समय आपको देख रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया मंदिर है, दर्शन करने का हमको बहुत लाभ मिला है टाइम में। अच्छा, इससे पहले भी आप आए हुए हैं? एक बार आया था, ये दूसरी टाइम आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी टाइम आ रहे हैं। हर साल आएगा? हर साल आप आते। कहाँ से हैं आप? द्वारका से। द्वारका से ही हैं आप? आपका क्या नाम है? करसन भाई। कैसा लगा आपको मथुरा आकर के? बहुत मत मजा आया। वृंदावन की नगरी में है आप, क्या कहना चाहेंगे जो कृष्ण भक्ति की? बहुत हर रही है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। आप लोगों ने राधे राधे वाली जो ड्रेस पहन रखी है दोनों भाइयों ने, क्या कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा इनके बारे में। क्या नाम बताया आपने? प्रिंस। प्रिंस। आपका? शनि। सनी जी कौन सी जगह से आए आप? जयपुर, राजस्थान। क्या कहना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं लोग? हमारे को बहुत अच्छा लगा, आज फर्स्ट बार आया है। अच्छा, फर्स्ट बार आया हम यहाँ पे। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कृष्ण भक्ति की जिस तरीके से लोगों के अंदर में इस समय जो है वो ज्यादा वो रहता है कि हाँ भाई मुझे कृष्ण भक्ति के अंदर में लीन रहना है, तो लोग लीन भी रहते हैं उसके अंदर में और काफी लोगों को जो है यहाँ पर एक जैसे कहते हैं खुशी मिलती है, एक अंदर से एक जागृति जागती है, तो लोगों का कहीं ना कहीं तो विश्वास है। आप लोगों का किस तरीके का विश्वास है, मैं ये जानना चाहता हूँ। विश्वास ये है, खाली राधे राधे बोलते चलो बस। अच्छा अच्छा, राधे राधे बोलेंगे सारा कष्ट हटेगा, बिल्कुल राइट। एक बार जरा आप लोग तीनों चारों देने बोलना राधे 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 राधे। आवाज नहरी खाना खाया आप लोगों ने? हाँ जी। राधे राधे श्री राधे। ये लोगों का प्यार है, लोगों का कृष्ण के प्रति एक विश्वास है। हारे का सहारा श्याम खाटू हमारा, और हमारे साथ में काफी लोग जुड़े भी हुए हैं और जितना जितना भी मतलब कहा जाए उतना वो कम है, लेकिन जो प्यार है वो कृष्ण के प्रति, लोगों का विश्वास जो है वो बना हुआ है। एक भाई हमारे साथ में यहाँ पे भी है, क्या नाम है भाई आप? बलराम। बलराम, कहाँ से आए हो आप? द्वारका। द्वारका से ही आए हो, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो आप? हाँ। इससे पहले भी कभी आए हो? नहीं आए हो? नहीं आए। पहली बार आए हो? हाँ। तो क्या कहना चाहोगे आप अपनी उम्र के बच्चों को? तो यहाँ घूमने आना चाहिए, बहुत अच्छा है। क्या क्या नाम है आपका? वसंत। दोनों भाई हो आप लोग? हाँ। शक्ल दोनों जनों की मिलती है? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। परिवार के साथ हो? हाँ। सब जने साथ में? साथ में। कैसा यहाँ पे आज अभी दर्शन करा आप लोगों ने, प्रेम मंदिर पे गए? अभी बंद हो गए, 4:30 बजे खुलेगा तब जाएंगे।
चलिए बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई में ध्यान देना, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या नाम है आपका? जयदीप। जयदीप जी, जयदीप जी क्या बोलोगे आप दर्शकों को? मैं बोल रहा हूँ मथुरा में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हम दूसरी बार भी आएंगे। दूसरी बार भी आ पाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राधे बोलना। जय श्री राधे। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। हम लोग सिर्फ जानने की कोशिश इसलिए करते हैं कि लोगों के प्रति जो विश्वास है वो आप लोगों को दिखाया जाए, आप लोगों को बताया जाए। तो हमारे साथ में यहाँ पे प्रशासन भी है, इन्होंने भी अपनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, मेरे दोनों साइड में प्रशासन जो बैठे हुए हैं लोग। तो मैं इन लोगों से भी और कुछ भी बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा रघु। रघु जी कहाँ से आए हैं? मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। अमृतसर पंजाब से आए, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि वृंदावन की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, तो सभी लोग यहाँ से, इंडिया से, बाहर से, फॉरेन से आते हैं यहाँ पे, और सबकी श्रद्धा बनी हुई है। तो बस यही भाव है, भाव लेके आते हैं यहाँ पे तो अपना भाव प्रकट करते हैं ठाकुर जी के आगे बस। अच्छा, आप अभी अकेले आए हो या कोई और आया? फैमिली है साथ। अच्छा, सारी फैमिली साथ जी में जी है। तो आप इनके बारे में, अच्छा आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट वगैरह हैं या आगे कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। हाँ, मैं एक्सपोर्ट हाउस में काम करता हूँ यहाँ जी। आप लोगों ने इनकी भी बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? इनके बारे में भी कमेंट आप जरूर कीजिएगा, बताइएगा हमारे को, क्योंकि इस समय जो नवयुवक हैं वो लोग भी, जो हमारे जो नए जो आ रहे हैं इस समय फील्ड के अंदर में जो लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में जो श्रद्धा और विश्वास है वो लोगों का बना हुआ है कृष्ण के प्रति। और हम भी यही चाहते हैं कि कृष्ण के प्रति जो है लोगों का विश्वास बने और लोगों का सामने आए। हम लोग भी इसीलिए वीडियो बनाते हैं जगह जगह पे जाकर के, जहाँ पे भी तीर्थ स्थल होते हैं हम लोग इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि जो आस्थाएं हैं आप लोगों के बीच में हम लोग लेकर के आए। गलत तो नहीं कहा भाई साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपका काम है यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो भगवान का ये भी एक प्रचार ही है जो आप प्रचार कर रहे हो ठाकुर जी का, इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। यही हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम लोग दर्शनीय स्थलों पर जाएं, लोगों से बात करें, तो हम लोग जिस तरीके से भी हो सकता है हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से, जैसे भाई साहब ने बताया कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन एक हमारा काम भी है, क्या करें, हमें भी तो रोटी खानी है। तो हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभम राठौर। शुभम जी कहाँ से आए हैं? जी हम सागर से आए हैं। सागर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? दर्शकों से मैं यही कहना, राधे, सबसे पहले तो राधे राधे सभी को। और सागर से हम लोग कल आए थे, जैसे कि हम लोग अभी गोवर्धन परिक्रमा करते हुए यहाँ। अच्छा, परिक्रमा करते हुए आप लोग इधर आए हैं? इधर आए हैं। तो अभी आपने प्रेम मंदिर अभी दर्शन नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि अभी पट बंद है यहाँ के। तो अभी सुनते हैं शाम तक खुलेंगे, तब तक वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक और भी मंदिर घूम सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जितना समय है उतना कहीं ना कहीं देना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि लोगों को किस तरीके से हम लोग जो उनके दिलों में है वो बात आप तक पहुँचाएँ। और भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, आ गए हैं भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष नाम है। मनीष जी कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, कैसा लगा आपको वृंदावन आकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कृष्ण के प्रति? बस जी अच्छा लग रहा है देखने में, वृंदावन घूमने में काफी अच्छा लगता है। पहली बार आए हैं आप या इससे पहले भी? नहीं पहले भी आ चुका हूँ। पहले भी बस। हाँ, और पहले की जो व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में क्या है? नहीं काफी सुधार हो गया है यहाँ पे, काफी मतलब पहले बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, अब भीड़ थोड़ा उसको मेंटेन किया गया है। हाँ काफी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े, क्या नाम है भाई साहब आपका? चरण नाम है सर जी। कालीचरण नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर बनारस से आए। बनारस से आए, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे भक्तों को? सब ठीक है यहाँ, व्यवस्था सब बढ़िया है। ठीक है सब जी। सर पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आ चुके? पहली बार आए हैं, अभी तो वैष्णो मंदिर गए थे, अभी यहाँ तो गेट बंद है, 4 बजे खुलेगा यहाँ पे, तो 4:30 बजे जी सर। तो और भी लोग हैं, आप अकेले आए हैं? और लोग हैं, 3 लोग हैं हम लोग। 3-4 जन आप लोग। हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, काफी देर से हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित बताओ आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं नारनौल से आया हूँ। नागौर से आया और नारनौल। नारनौल हरियाणा। हरियाणा से क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूंगा कि मैं पहली बार आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि यहीं पर प्लॉट लेकर रहने लग जाऊं। अरे वाह क्या बात है, चलिए कृष्ण आपको जरूर प्लॉट भी देंगे। और आप लोगों को ये देखिए, ये कृष्ण की भक्ति में पूरे लीन है। और एक मिनट रुक जाओ बस, ये एक अपने अंदर ही एक अजूबा है, यानी कि लोगों का प्यार जो है कृष्ण के प्रति, जो विश्वास है। क्या नाम है आपका? राज कश्यप।
कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। क्या नाम है आपका? गोपाल कश्यप। आपका? यतिन कौशल। आपका? शिवम। आपका? विवेक। आपका? शिवम। आपका? आलोक कुमार। आपका? गजेंद्र। करण ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे जो आपके उम्र के, जो आपके उम्र के बच्चे हैं, जो आपके बराबर के हैं और जो श्रद्धालु लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कृष्ण के प्रति? हम बोलेंगे राधे 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 राधे। हेलो हेलो राधे राधे राधे। ये प्यार है कृष्ण के प्रति, विश्वास है कृष्ण के प्रति, श्रद्धा है उस राधे के प्रति। राधे का नाम लेने से जो नैया तरती है, कहीं ना कहीं जो है इनको भी जब ये लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोग पहले भी आ चुके हो? जी 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 जी। पहली बार कौन आया है? पहली बार हमारे ये दोस्त आया, ये भाई है। क्या नाम है आपने बताया? शिवम। शिवम, पहली बार आए हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे आगे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और ये आगे जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत जगह अच्छी है। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ घूमा? अभी हम आया रमन रेती से और दाऊजी मंदिर से और फिर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे आ गए। वैष्णो मंदिर होते हुए आप लोग? वैष्णो मंदिर इसी रास्ते में ही है आगे जा करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर आए हैं और हम एक बिल्कुल ही भक्ति में मगन है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम तो यही चाहेंगे कि फ्लैट ही ले लें यहाँ पर। आप लोगों ने देखा कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर जो लोग हैं और जो श्रद्धालु आए हुए हैं तमाम जगह से, तमाम भारत के तमाम राज्यों से जब लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो किस तरीके का इन लोगों का कृष्ण के प्रति विश्वास है, इसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या सोचते हैं आप और ये मथुरा वृंदावन के बारे में? क्या जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो लोग वृंदावन के हैं, वो लोग हमें कमेंट ज़रूर करें, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास। जय हिंद, जय भारत।